जय हिंद एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईए स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बीच में पीआईबी में एक या दो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसलिए मैं आपके पास सेपरेट सेशन नहीं लेकर आया। आज हम पिछले 7-8 दिनों के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे। सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले न्यूज थी प्रिवेंट सिल्टेशन ऑफ वुलार लेक। वुलार लेक से न्यूज है, फ्रेश वाटर लेक, आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बट ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेस ऑफ कंजर्वेशन इज स्लोवर देन द लेक्स डिटेरियेशन, कैचमेंट ट्रीटमेंट मस्ट टू स्टॉप सिल्ट इनग्रेस। अब मैच द फॉलोइंग में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये फ्रेश वाटर लेक है, आर्टिफिशियल लेक है या टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बनी हुई है। तो जो ये लेक है, दिस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर है, टेक्टोनिक है या फिर आर्टिफिशियल है। दिस लेक हैज अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर। इस लेक के सेंटर में यहां पर एक स्मॉल आइलैंड है जिसका नाम है जाइना लैंक। जाइना लैंक इसका नाम है। दिस आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग जैनुअल अबीदीन। ठीक है, तो ये आइलैंड भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो फ्रेश वाटर लेक पढ़ते हैं, आप सेलाइन वाटर लेक पढ़ते हैं, चिलिका लेक के बारे में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, सांभर लेक के बारे में पढ़ा होगा, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। तो यहीं पर वुलार लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी हुई है एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। इट इज लोकेटेड इन द बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जहां पर अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में होंगे, फेड बाय द झेलम रिवर। झेलम रिवर से यहां पर ये फेड कर रही है। दिस लेक लाइज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 1580 मीटर ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन्स। अब ये माउंटेन्स भी आपसे पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, माउंटेन नंबर वन, नंबर टू फ्रेश वाटर लेक है, नंबर थ्री टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बनी है, झेलम रिवर इसको फेड कर रही है। जब आप सेलिनिटी का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आप अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं कि सेलाइन कब कहा जाएगा, ब्राइन कब कहा जाएगा, हाइपर सेलाइन कब किया जाएगा। एज पर द एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो 24.7 पीपीटी से ऊपर को यहां पर ब्रैकिश वाटर लेक कहा गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज थी, अभी रिसेंटली आपको पता ही है कोलकाता में सब कुछ चल रहा है, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर, व्हाट संजय रॉय टोल्ड सीबीआई ड्यूरिंग पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट यहां पे करवाया गया, ठीक है, नारकोटिक टेस्ट जिसे बोलते हैं आप। पॉलीग्राफ टेस्ट ऑपरेट ऑन द प्रीमाइसिस द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। यहां पर कुछ रिस्पॉन्सेस ट्रिगर करता है पर्सन, उसके बाद उसके ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स रेट, उसकी हार्ट बीट, उसके स्वेट ग्लैंड एक्टिविटीज, इन सब में हमें चेंजेस मिलते हैं। Although, इससे पहले इंटेस्ट से पहले आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए। जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स तो आपके पास आर्टिकल नंबर 21 आएगा, बिकॉज बहुत सारे राइट्स यहां पर उठ जाते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात आ जाती है यहां पे, ठीक है। तो यहां पर ड्यूरिंग दिस टेस्ट द इंस्ट्रूमेंट सच एज कार्डियो कफ्स और सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू द सस्पेक्ट। यहां पर ये अटैच कर दिए जाते हैं उस रिस्पेक्टिव पर्सन के साथ, सो दैट उसके बाद हमें उसके ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, स्वेट ग्लैंड, इन सब में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट हियर इज फॉर द प्रीलिम्स कि पहले यहां पर कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑथराइज करा, उसके बाद ही आप ये टेस्ट ले सकते हैं। और दो जो भी इसके अभी तक रिजल्ट्स आए हैं नार्को टेस्ट के, पॉलीग्राफ टेस्ट के, अभी तक बिल्कुल 100% श्योर आप नहीं कह सकते, बट यस, ये कंडक्ट तभी कराए जाते हैं जब कोर्ट आपको ऑथराइज कर देती है। इवैल्यूएशन ईच रिस्पॉन्स इज गिवन अ वैल्यू। जो भी पर्सन यहां पर जब उसको बोला जाए, कुछ भी पूछा जाएगा, तो उसके बाद वो एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा एंड उस रिस्पॉन्स को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है टू डिटरमिन वेदर द इंडिविजुअल इज टेलिंग द ट्रुथ। भाई वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसके बाद यहां पर पता लगेगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ये पता हो पहले तो कि कोर्ट पहले ऑथराइज करेगा, उसके बाद ही ये टेस्ट होता है। ओके, यूक्रेन टेस्ट हिम टू HRIM, इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल। अब इस तरह के क्वेश्चन इस बार, अब आपने देखा कि 5 से 6 क्वेश्चन इस बार डिफेंस से रिलेटेड पूछे थे यूपीएससी ने, तो सेम तरीके से मैं पहले, इससे पहले अगर आपको कहूं तो इंडिया में भी INS अरिहंत सबसे पहली इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन, उसके बाद आप देखते हैं अभी 29 अगस्त 2024 को यहां पर राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने INS अरिघाट
संस्कृत में जिसका मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज, ठीक है, सेकंड इंडिजीनियस सबमरीन कमीशन की, एंड थर्ड पे इंडिया ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर चुका है INS अरिधमन। तो इस तरह की न्यूज आपको पक्का कैच करनी है अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिम 2 जिसे ग्रिम ग्रोम या OTRK सैमसन भी कहा गया है ऑपरेशनल टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, यूक्रेन की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। अब ये कीवर्ड आपको यहां पे कैच करना है, शॉर्ट रेंज, बिकॉज लॉन्ग रेंज भी हो सकता है, शॉर्ट रेंज भी, बिकॉज इस बार तो फाइटर जेट की जनरेशन तक पूछ ली थी UPSC ने कि फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है। दिस वर्जन डेवलप्ड फॉर द एक्सपोर्ट हैज अ रेंज लिमिटेड टू 280 किलोमीटर इन ऑर्डर टू फॉल विद इन द 300 किलोमीटर सेट बाय द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, दैट इज MTCR। अब इस न्यूज में दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट आ गई है, ठीक है, MTCR ग्रुप, सेपरेट ग्रुप यहां पर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, इस मिसाइल का नाम पूछा जा सकता है, एंड इट इज अ शॉर्ट वन और द लॉन्ग फॉर्म ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वहीं पर जो इंडिया का था मैंने आपको साथ साथ बता दिया, न्यूक्लियर सबमरीन, बिकॉज यहीं से टॉपिक थोड़ा सा कोरिलेट हो रहा था, INS अरिहंत, नंबर 2 अभी 29 अगस्त को INS अरिघाट, डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज, एंड नंबर 3 INS अरिधमन। ओके, नेक्स्ट इज बोंदा ट्राइब अभी न्यूज में थी, बिकॉज यहां पर एक फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम द बोंदा ट्राइब क्लियर्ड नीट एग्जाम। अब इस न्यूज में सबसे पहले तो आपको यह पता हो कि दे आर द PVTGs, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहां पर कैटेगराइज करती है। टोटल एट प्रेजेंट अगर हम बात कर लें तो 75 है। PVTG अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही है, ठीक है, और ये जो ट्राइब है ये भी उड़ीसा की है, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा की है वहां पर ये पाए जाते हैं, एंड इट इज अ PVTG, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनका पहले था PTG, बाद में PVTG यहां पर कर दिया गया, सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही है, दैट इज टोटल नंबर है यहां पर 75। दे बिलोंग टू ऑस्ट्रियो एशियाटिक रेशियल स्टॉक एंड दे स्पीक रेमो, ये रेमो बोलते हैं, एक एस्ट्रो एशियाटिक डायलेक्ट है जो, एंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर बोंदास, ठीक है, जो कि कहां पर मिल रहे हैं आपको, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में, एंड द अपर बोंदास जो कि हिली टेरेन में यहां पर पाए गए हैं, ठीक है। तो ये न्यूज में चल रहा है, इस तरह की न्यूज आपसे पूछ ली जाती है, बिकॉज रिसेंटली इनके ट्राइब से ही पहला यहां पर स्टूडेंट आया है जिसने नीट का एग्जाम यहां पर क्लियर किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज, सेंटर लॉन्च पोर्टल टू एड्रेस सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस। सेक्सुअल हैरासमेंट को यहां पर डील करने के लिए एक पोर्टल लाया गया है जिसका नाम है शी बॉक्स यहां पे पोर्टल लाया गया है। ऑल दो अगर आपसे डायरेक्टली पूछ भी लिया गया शी बॉक्स तो आप नाम देके थोड़ा सा गेस तो आराम से मार सकेंगे। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर रजिस्ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग द कंप्लेंट्स, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वर्क प्लेस पे विद रिस्पेक्ट टू द सेक्सुअल हैरासमेंट विद वुमेन, वो यहां पर इस पोर्टल पे क्या होंगी, इवेल्युएट होंगी। इट सर्व्स एज सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंटरनल कमेटीज, लोकल कमेटीज, इनकम्पासिंग बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को यहां पर ये कवर कर रहा है। इट ऑफर्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी कंप्लेंट्स को फाइल करेंगे, आप ट्रैक करेंगे स्टेटस को, एंड इंश्योर करेंगे कि टाइम बाउंड प्रोसेसिंग होगी एंड उसका रिजल्ट आपके पास आएगा, ये बहुत जरूरी था। इट प्रोवाइड द रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस, ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये पोर्टल पता हो जहां पर सारी कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस यहां पर इवेल्युएट होंगी, एंड इट कवर्स बोथ द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर, देन पोर्टल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज हिमंता बिस्वा शर्मा 1.2 डी वोटर्स। अब डी वोटर्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जैसे इस बार आपने देखा कि जब इलेक्शंस हुए लोकसभा के तो वोट फ्रॉम होम का यहां पर ऑप्शन लाया गया था कि जो भी एक पर्टिकुलर एज से ऊपर है वो अपने घर से ही वोट कर सकते हैं। इसी तरह की न्यूज यहां पर निकल कर आई है कि डी वोटर्स क्या होते हैं। अब डी वोटर्स पर्टिकुलरली असम में आपको देखेंगे, 1997 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था। वो पर्संस जहां पे जिनकी सिटीजनशिप डाउटफुल है अभी असम में, या फिर वो डिस्प्यूट के अंतर्गत हैं, डी से डिस्प्यूट, ठीक है, या डाउटफुल हैं, उनको डी वोटर्स कहा गया है यहां पे। एंड डाउटफुल जो वोटर्स हैं या सिटीजन, उनको सिटीजनशिप एक्ट जो है सबसे पहले और रूल्स है उसमें भी कवर नहीं करा गया है।
आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी सिटीजनशिप जो एक्ट है उसके अंतर्गत भी इनको कवर नहीं करा गया है, सिटीजनशिप जो रूल्स है उसके अंतर्गत भी इनको कवर नहीं किया गया है। तो डी से डाउटफुल दिस पर्संस या वोटर्स, या फिर ये आप कह सकते हैं कि डिस्प्यूट में है जिनकी सिटीजनशिप, उनको कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू द असम। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि उनको ऑलमोस्ट 41,000 ये हैं, उनको फॉरनर्स कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फॉरनर्स होते हैं तो फॉरनर्स ट्रिब्यूनल बने हैं, केस हो सकता है, उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 85 बटरफ्लाई स्पीशी स्पॉटेड एट अरुणाचल प्रदेश तले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये बिल्कुल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है डायरेक्टली कि ये है कहां पर दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इट इज इन द अरुणाचल प्रदेश। इट इज अ प्लेट्यू ऑलमोस्ट कवर 337 स्क्वायर किलोमीटर, सिचुएटेड एट दिस ऑल्टीट्यूड जहां पर आपको रिवर दिखेंगी पेंजे, सीपू, सुबानशिरी। सुबानशिरी आप सबने पढ़ी होंगी, ठीक है, जब आप यहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर को पढ़ते हैं। दिस सेंचुरी इज होम टू द अपातनी ट्राइब नोन फॉर द यूनिक कस्टम्स एंड द हैंडीक्राफ्ट्स यहां पे, ठीक है। तो ये ट्राइब का आपको पता हो। दिस सेंचुरी लाइक डायरेक्टली यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था कि बटरफ्लाई कौन सी यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है। ओके, नेक्स्ट इज एक्स यूएनएससी चीफ बैक्स बिड फॉर द परमानेंट सीट बाय इंडिया। अब इस पूरी न्यूज को मैं अगर एक ही उसमें आपको समझाना चाहूं तो बार बार यहां पे कहा जा रहा है कि भाई इंडिया वर्ल्ड की तीसरी मोस्ट पावरफुल कंट्री है, इसलिए वो P5 में उसका रोल यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो प्लेस डिजर्व करता है। अब इस पूरी न्यूज में आपके पास तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, तो यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स आते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। हर साल इलेक्शन होता है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए 2 साल की उनकी टर्म होती है। एंड 5 पी कौन सी है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। अब एक ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि यूएनएससी का एक्सपेंशन हो, उस ग्रुप को कहा जाता है G4 नेशंस, जिसमें इंडिया है, ब्राजील है, जापान है यहां पर, ठीक है। ये चाहते हैं कि एक्सपेंशन हो। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा हमारे पास एक ग्रुप ऐसा भी आता है जो चाहता है कि यूएनएससी का एक्सपेंशन ना हो, वो उसको अपोज कर रहा है। दैट ग्रुप इज नोन एज कॉफी क्लब, उसको कहा जाता है कॉफी क्लब, यहां पे यूनाइटेड फॉर कंसेंसस के नाम से भी उसको जाना गया है, ठीक है। उसका मेन यहां पे कौन है लीडर, इटली उसमें है, टर्की उसमें है, पाकिस्तान उसमें है, ठीक है। ये चाहते हैं कि यूएनएससी का एक्सपेंशन ना हो। ऑन द अदर हैंड G4 नेशन, मुझे चौथा नेशन इसमें याद नहीं आ रहा है, इंडिया है, ब्राजील है, जापान है एंड एक कंट्री और इसमें है आई थिंक, ठीक है। ये 4 कंट्रीज चाहती हैं कि यहां पर यूएनएससी का एक्सपेंशन हो, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज एक्सपेंशन चाहती हैं, G4 नेशंस के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड कॉफी क्लब वो क्लब है जो चाहता है कि यूएनएससी का एक्सपेंशन ना हो P5 का। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये सारी न्यूज उसी से रिलेटेड थी कि एक्स यूएनएससी का चीफ कह रहा है कि यस इंडिया डिजर्व करता है 5P के में एक्सपेंशन के लिए एंड परमानेंट सीट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज निर्मला सीतारमन हेल्स जापानीज एनिमी डायरेक्टर मियाज़ाकी ऑन विनिंग रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अब इस न्यूज में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, नंबर वन इंपॉर्टेंट, एशिया का प्रीमियम प्राइज है, हाईएस्ट ऑनर है। आपको पता है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनको भी ये मिला हुआ है। इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्मल सेरेमनीज इन द मैनिला फिलीपींस कैपिटल में ऑन अगस्त 31 को ये दिया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मच एस्टीम्ड फिलीपींस प्रेसिडेंट, यहां पे जिससे इंस्पायर होके इस प्राइज को रखा गया है। अब कौन कौन सी फील्ड पे काम कर रहा है आपने तब दिया जाता है, तो गवर्नमेंट सर्विसेज हो, पब्लिक सर्विसेज हो, कम्युनिटी लीडरशिप हो, जर्नलिज्म, लिटरेचर या क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स हो, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो, इमर्जेंट लीडरशिप हो, तब आपको ये दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आ रही थी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब इसमें आपसे यहां पे ग्रुप पहले तो पूछा जा सकता है कि ये ग्रुप है क्या, एक रीजनल सिक्योरिटी का ग्रुप है जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशियस है। तो पहले तो आपसे डायरेक्टली इस ग्रुप की कंप्राइजिंग पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आ रही हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना है यहां पे बाय एड्रेसिंग द थ्रेट्स एंड द चैलेंजेस ऑफ कॉमन कंसर्न टू द मेंबर स्टेट। भैया जो भी मेंबर स्टेट्स हैं इनको जो भी कॉमन यहां पे थ्रेट्स हैं उनको ये एड्रेस किया जा रहा है। अब ये करंट मेंबर कौन से हैं, इंडिया,
बांग्लादेश, मालदीव्स, मॉरिशियस एंड श्रीलंका, सेशेल्स इसमें ऑब्जर्वर नेशन है। अब इस तरह के क्वेश्चन इस बार सीडीएस में भी देखने को मिले, ठीक है, कि जैसे बेलारूस एससीओ का अभी न्यूएस्ट मेंबर बना था जुलाई में, तो आपसे मेंबर पूछा जा सकता है। पहले तो इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। अभी आपने देखा कि मिस्टर अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्रीलंका में गए थे, यहां पे जहां पे उन्होंने मीटिंग करी अदर एनएसएस के साथ, ठीक है। तो ये मेंबर्स आपको पता हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनिशियली इसको ट्राइलेटरल कहा जाता था, मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, भाई तीन ही कंट्री हैं, बाद में इसमें कंट्रीज ऐड कर दी गई, ठीक है। इट केम टू अ स्टैंडस्टिल आफ्टर 2014 ड्यू टू द राइजिंग टेंशन, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जब टेंशन बढ़ी उसके बाद इसे रोक दिया गया था 2014 के बाद। सिंस इट्स रिवाइवल एंड रीब्रेंडिंग एट द SCSC इन 2020, उसके बाद मॉरिशियस और बांग्लादेश को इसमें ऐड कर दिया गया। तो कंट्रीज आपको यहां पे पूछी जा सकती हैं कि कौन सी इसमें कंट्रीज आ रही हैं, एंड कॉमन प्रॉब्लम जो कंट्रीज फेस कर रही हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। ओके, यहां पे कौन कौन से पिलर हैं, कि मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी भी यहां पे ध्यान दिया जाएगा, काउंटरिंग टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, ट्रांजनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे ध्यान दिया जाएगा, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इन सब पे यहां पे काम किया जाएगा। एंड इसका परमानेंट सेक्रेटरिएट कहां पर है, कोलंबो, दैट इज इन द श्रीलंका, नाम से ही पता लग रहा था, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ओके, थंजावुर वीणा अभी न्यूज में है, पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कंट्री का जिसको GI टैग मिला है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि GI टैग मिला है यहां पे, ठीक है। कितनी इसमें वीणा में टोटल 24 फिक्स्ड फ्रेट्स होती हैं, सो दैट सारे रागस को प्ले किया जा सके। एंड ये बनता किससे है, जैक फ्रूट का जो ट्री होता है उससे इसको बनाया जाता है, जिसमें बाघ को यहां पे फोर्स किया जाता है टू अंडरगो द सेवरल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग बिफोर फाइनलाइजिंग द यूजेज, ठीक है। थंजावर जो कि तमिलनाडु में एक सिटी का नाम है, GI टैग, पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, लास्ट न्यूज हमारी, मेडिकल स्टूडेंट्स फाइल रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन नीट UG 2024। ये क्वेश्चन इससे पहले 2 साल पहले UPSC प्रीलिम्स में पूछ चुकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, यस। हाई कोर्ट अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, यस। मान लेते हैं कि मैंने अपनी रिव्यू पिटीशन डाल दी, वो रिव्यू पिटीशन भी मान लो कि नहीं हो पाई ढंग से सक्सेसफुली, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन के बाद कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है, अगर आपकी रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाती है। अब इसमें पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स डिस्कस। व्हेन द जजमेंट इज पास बाय द कोर्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ फंक्टस ऑफिशियो अप्लाइज। फंक्टस ऑफिशियो होता क्या है, द लेटिन डॉक्ट्रिन मींस इफ द जजमेंट इन द केस हैज बीन प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर हैज बीन मेड द फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मान लो कि यहां पर प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज करके कोर्ट ने कोई ऑर्डर को प्रोनाउंस कर दिया, इन सच सर्कमस्टांसेस द केस कैन नॉट बी रीओपन। उसमें केस रीओपन नहीं होगा अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज करते हुए किसी भी ऑर्डर को प्रोनाउंस कर दिया गया है। द राइट टू फाइल अ रिव्यू पिटीशन इज एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्रिन। एक लौता एक्सेप्शन यहां पर है कि आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं, जैसे सबरीमाला केस में हमें देखने को मिला, ठीक है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 137 कह रहा है कि इट गिव्स सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट। वो खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। द कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू द रूलिंग टू करेक्ट अ पेटेंट एरर एंड नॉट अ माइनर मिस्टेक ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल इंपोर्ट, एक यहां पे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की जजमेंट को यहां पर रिव्यू कर सकती है। हाई कोर्ट के पास भी पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेर इट इज इट कैन बी इन्वोक्ड व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ लॉ और द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ब्रीच ऑफ लॉ होगा या वायलेशन होगा तब हाई कोर्ट भी कर सकता है। कौन कौन से ग्राउंड्स दिए गए हैं यहां पे, कि कोई डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर एंड एविडेंस, कोई नया एविडेंस यहां पर आ गया है तब रिव्यू पिटीशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकती है। कुछ ग्राउंड्स है, ये नहीं कि हर ग्राउंड पे ही रिव्यू पिटीशन यूज हो जाएगा। द मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, या फिर कोई सफिशिएंट रीजन है तब यहां पर रिव्यू पिटीशन यूज किया जा सकता है। ओके, प्रोसीजर क्या है, हु कैन फाइल अ रिव्यू पिटीशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली अ पार्टी टू द केस। भाई जो केस लड़ रहा है उस केस में इन्वॉल्व है, जरूरी नहीं कि वो ही डाल सकता है, ठीक है। कैन सीक अ रिव्यू पिटीशन एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रूलिंग, भाई उससे किसी को भी यहां पर फर्क पड़ रहा है उस जजमेंट से, तो वो रिव्यू पिटीशन डाल सकता है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रेम एज पर द 1996 रूल्स द टाइम फ्रेम बाय द सुप्रीम कोर्ट पिटीशन फाइल विद इन 30 डेज, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दे दी फॉर एग्जाम्पल, तो 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको उसकी रिव्यू पिटीशन डालनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट विल एक्सेस द पिटीशन टू एग्जामिन द लॉ, इन केस वेयर द आर्ग्यूमेंट्स लैक मेरिट द पिटीशन मे बी रिजेक्टेड। अगर मान लो रिव्यू पिटीशन में इतना दम नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है। इफ रिव्यू पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड देन द एग्रीव्ड पर्सन इज प्रोवाइडेड विद द रिलीफ ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। दैट मींस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपनी खुद की जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। नंबर टू, जरूरी नहीं है कि वही पर्सन यहां पे खाली जो केस में इन्वॉल्व है वही रिव्यू पिटीशन डालेगा, कोई भी एग्रीव डाल सकता है, बट एज पर द 1996 रूल्स विद इन 30 डेज आपको डालनी पड़ेगी। रिव्यू पिटीशन भी मान लेते हैं कि यहां पर रिजेक्ट कर दी गई, डिसमिस कर दी गई, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन के बाद आपके पास कोई भी यहां पर ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये हमारे थे करंट अफेयर्स पिछले कुछ दिनों के, 25th ऑफ अगस्त से लेकर 5th ऑफ सितंबर टीचर्स डे तक के सारे करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। एंड बीच में अगर आपको पीआईबी की कुछ वीडियोस नहीं मिलती हैं तो इसी कारण नहीं मिलती हैं, क्योंकि उसमें एक या दो ही इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं। देन आई ट्राई कि मैं उसको इकट्ठे ही यहां पे क्लब करके एक साथ आपको करवाऊं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।